सर वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कल मिल मुझसे। तू पागल है क्या? मैंने तुझे टैबलेट दी थी, ली ना तैने? सर वो कहीं खो गई, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या। फिर मारूंगा थप्पड़ खींच के। अरे किसी को पता चलेगा एक ट्यूशन वाले सर ने एक बच्ची के साथ? छी, बदनामी हो जाएगी मेरी, क्या करूं। हेलो विशाल, कोई फीमेल डॉक्टर है जान पहचान? ठीक है, एक डॉक्टर के पास चल रहे हैं। अगर वो पूछे उसे बोल दियो कि 18 साल से ज्यादा उम्र है तेरी, 17 मत बतियो अपनी सही। चल मेरे साथ। आ जाना। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, वो विशाल से बात हुई थी ना, तो अल्ट्रासाउंड कराना था। हाँ हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, आप मुझे इनका आधार कार्ड दे दीजिए। मैम आधार कार्ड तो अभी नहीं ले गए हम, कल दे देंगे आपको, लेकिन अल्ट्रासाउंड कर दीजिए अभी, जैसे विशाल से बात हुई थी। आप क्या लगते हो इनके दोस्त? मतलब दोस्त का सर हूं मैं, इनके दोस्त का सर हूं। और एज क्या है इनकी? हाँ 19, 19 साल है मैम। ठीक है आइए आप मेरे साथ। सुन अपना मुंह मत खोलियो, ठीक है ना? पूछे तो 19 साल। किस लफड़े में फंस गया मैं? से एक बार इस जंजाल से बाहर निकल जाऊं। कितनी एज है तुम्हारी? 19। डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बताओ। 17। और ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया? ये मेरे ट्यूशन वाले सर हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है? दीदी हैं बड़ी। मुझे नंबर दो उनका। हेलो डॉक्टर, कहाँ है मेरी बहन? क्या हुआ है मेरी बहन को? ये तो इनके सर ही बताएंगे। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ, बोल क्या किया? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, कितना भरोसा करके तुम्हारे पास उसे पढ़ने के लिए भेजा था और तुमने उसके साथ ये हरकत करी। अरे वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, बेटी की उम्र की। गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दो। माफ? और तुम्हें? इसके लिए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी सजा। टीचर के नाम पे कलंक है तू, चल मेरे साथ। मानसी बहन, तूने ये जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसमें सारी गलती आपकी बहन की नहीं है, इसमें आपकी भी गलती है। आपको ये देखना चाहिए था ना कि आपकी बहन जहाँ ट्यूशन पढ़ने जा रही है वो कैसे लोग हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे तो कानून सजा दे देगा, लेकिन जो ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं ना उन्हें पहचानना होगा।